भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता चौधरी फवाद हुसैन को भारतीय चुनाव में खासा मजा आ रहा है। राहुल गांधी के समर्थन के बाद उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रति सहानुभूति दिखाई, हालांकि इस बार केजरीवाल ने उन्हें अच्छे से धो डाला। दरअसल शनिवार को छठे चरण में सीएम केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने इसकी फोटो एक्स पर भी साझा की। केजरीवाल की इसी पोस्ट पर फवाद ने रिप्लाई करते हुए कहा कि शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करे। इसी रिप्लाई पर केजरीवाल ने फवाद को धो डाला। केजरीवाल ने उनके रिप्लाई को शेयर करते हुए कहा कि चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। इसके बाद एक और पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि भारत में हो रहा चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हाल ही में पाकिस्तानी नेता ने एक्स पर राहुल गांधी के समर्थन में एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा था कि राहुल ऑन फायर। फवाद ने जो वीडियो साझा किया था उसमें राहुल गांधी राम मंदिर उद्घाटन के बारे में बोल रहे थे। वीडियो में राहुल गांधी पूछ रहे थे कि क्या इस अवसर पर किसी गरीब व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि हुसैन का राहुल की तारीफ करना बड़ी चिंता का विषय है। कांग्रेस ने स्पष्टीकरण देना चाहिए। सिंह ने कहा था कि भारत को अस्थिर करने वाला देश राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। इस पर कांग्रेस को सफाई पेश करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।